महारानी की सुरक्षा का पूर्ण भार आप पर। यदि कोई भी अप्रिय घटना घटी तो उसका उत्तरदायी आप हो। महाराज प्रस्थान करें। बग्घी आगे बढ़ाओ। महाराज गंगा धर राव की। हरिओम। आयश्री, आयश्री, महाराज अभी अभी गए हैं, क्या आपने उन्हें देखा? हरिओम, हरिओम। यजमान, अब पंच तत्व की पूजा आरंभ की जाती है। पंच तत्व का अर्थ है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। अब वर और वधु कुएं से जल निकालकर मिट्टी गीली करेंगे और इस मिट्टी को आकाश और वायु को साक्षी मानकर मंडप ले जाएंगे और वहां इसमें अग्नि तत्व समाहित किया जाएगा। अब वर एवं वधु कुएं की पूजा करके जल निकालेंगे, परंतु एक हाथ से। उत्कृष्टाया विरूपाय वराय सदृशाय च अप्राप्ताम अप्ताम तस्मै कन्याम तद्याद्यथाभिधि। मनु, इधर उधर क्या देख रही हो? पूजा में ध्यान केंद्रित करो। लगता है हमारी बहुरानी किसी की प्रतीक्षा कर रही है। जी, अपनी बड़ी बहन की। घर के सभी लोग तो उपस्थित हैं बहू, शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करनी चाहिए। तो मोती बाई की प्रतीक्षा हो रही थी। मोती बाई, तुम वर पक्ष की ओर से आई हो या वधु पक्ष की ओर से? सुकुबाई साहिबा, हमें यहाँ हमारी छोटी बहन ने बुलाया है। अब तो हम बस इन्हीं के होके रह गए हैं। वर वधु कुएं से पानी निकालेंगे। हमारी मनोजीत बहुत तेज पानी निकालती है, आप हार जाओगे। ठेंगा। बेटे बेटे, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। तो क्या हुआ काका, देखे तो कौन जीतता है। हाँ, देखते हैं कौन जीतता। हरिओ, तुम लोगों ने अति कर दी। हरिओ, इतनी सी भी दया भावना नहीं है? जब आयश्री के रावबा को पता चलेगा ना, तो तुम दोनों को दंडित करेंगे। हरिओ, 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 हरिओ। आयश्री, आयश्री, क्या हुआ? आयश्री,
हे भैया। हाँ तुम यहीं ठहरो, मैं रघुनाथ जी को सूचित करके आता हूँ। आयश्री वर वधू इस जल को पवित्र मिट्टी में समाहित करेंगे। रघुनाथ जाकर देखो सब क्या है, जो वो चाहती उसे दे दो। जी प्रधानमंत्री जी। नहीं सरकार, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने किसी रावबा से मिलना चाहती है। क्या कहा तुमने महाराज? रावबा? जी महाराज। रावबा? उड़ा ले क्या हो? कौन महत्वपूर्ण है जो महाराज इतनी महत्वपूर्ण पूजा छोड़ के चले गए? आयश्री होश में आई? आयश्री होश में आई? आयश्री 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 जी। जी। पंचतत्व की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु दुर्गाबाई बाड़े के लिए प्रस्थान करें। बस हम वहीं जा रहे हैं। पंडित जी क्या बात है, महाराज अचानक क्यों चले गए? महारानी जी, महाराज की आयुश्री अज्ञातवास से वापस आ गई। वो महाराज की आई साहब की बहन जैसी थी, वो उनकी मायके से उनके साथ आई थी। परंतु तात्या जी इस बात का हमें कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ के अधिकतर मंत्रीगण को भी ये नहीं मालूम है, पर वास्तविकता ये है कि महाराज की आई साहब उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनकी मृत्यु के समय महाराज के बड़े भाई साहब स्वर्गीय रघुनाथ राव ने मुखाग्नि दी थी। चुप हो जाओ।
हम इस भस्म को अपने माथे पर लगाकर ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी विवाह नहीं करेंगे। अपना पूर्ण जीवन सिर्फ तेरे पालन पोषण में लगाएंगे। राओबा, आज से तू हमारा पुत्र है। और इस प्रकार महाराज की सुख समृद्धि के लिए आयशी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। रो रहा है? कितने वर्षों के बाद देख रहा हूं आपको। आप तो भूल ही गई ना अपने राहुबा को। नहीं राहुबा, अगर हम भूले होते तो लौटकर वापस नहीं आते बेटा। भूख लगी थी हमारे बेटे को। बाल्यकाल में आपके हाथों से हमने कई बार खाया। बिना परीक्षण के एक भी कौर हमारे मुंह तक जाने नहीं देते थे आप। क्या हुआ आयश्री? वो दासी इस तरह क्यों भाग गई? बताती हूँ राहुबा। भगवान, देखा राहुबा, इस भोजन में विष था। दुश्मन तेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। राहुबा बेटा, तुझे बहुत सावधानी से रहना होगा, समझा? क्योंकि झांसी का भविष्य सिर्फ तू है। क्योंकि झांसी का भविष्य सिर्फ तू है। अब ठीक है। परंतु एक बात बताइए आयश्री, आप हमारी बहुत चिंता करती थी, फिर अचानक आपके जाने का कारण हम आज तक समझ नहीं पाए। राहुबा, कोई भी माँ अपने बेटे को बीच मझधार में छोड़कर कभी नहीं जाती, परंतु
आप रामचंद्र राव को मूर्ख समझती हैं? झांसी नरेश है हम, क्या करना चाहिए ये आप समझाएंगे हमें? आई साहेब ने आपको अपनी छोटी बहन जैसा माना था, इसलिए आपको सम्मान देता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि जो भी आप कहें हम उसे मान लें। महाराज, हमने जो परामर्श दिया था वो केवल केवल झांसी की भलाई के लिए था। ये धुर्त फिरंगी, ये एक निसंतान राजा को एक क्षण के लिए भी गद्दी पर नहीं बैठने देंगे। वो अच्छी तरह से परिचित हैं। झांसी का दुर्भाग्य कि आप झांसी को उत्तराधिकारी देने के योग्य नहीं है। चुप रहो। यदि ईश्वर ने हमारे भाग्य में निसंतान रहना लिखा है तो मैं दत्तक पुत्र बना लूंगा, अन्यथा मेरा भतीजा रघुनाथ तो है ही। लेकिन महाराज, ये बात तो पूरी झांसी जानती है कि रघुनाथ जी को कुष्ठ रोग है और उस पर से उस मुस्लिम वैश्या। बस, अब एक शब्द नहीं। अभी तक आप मेरे अवगुण पर कुठाराघात कर रही थी और अब मेरे भतीजे पर लांछन लगा रही हैं। गंगाधर गंगाधर गंगाधर, जैसे मैं कुछ नहीं, आप ही उसकी सगी आई हैं। चले जाइए मेरे सामने से और आज के बाद इस महल में दिखाई ना दें। क्या हुआ श्री, आपने इस तरह के वस्त्र क्यों पहने हैं? रावपा, हम यहाँ से जा रहे हैं। क्यों जा रही हैं? मैं भी चलूंगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। तुझे झांसी का नरेश बनना है और हम तभी वापस आएंगे जब तू झांसी का राजा बन जाएगा। आज हमारी तपस्या सफल हो गई। हम अपने राओबा को राजा के रूप में निकट से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आयुष्री, अब आपका राओबा आपको कहीं जाने नहीं देगा। नहीं जाएंगे, परंतु जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। और हाँ, तेरा भी हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे। अभी आप दोनों को हमने बुलाया नहीं था। बेटा, हमने सुना है तुम दूसरा विवाह कर रहे हो। हाँ ईश्वरी, झांसी को उत्तराधिकारी चाहिए। हम जानते हैं, मणिकर्णिका के कई चर्चे सुने हैं हमने। और हाँ, ये भी सुना है कि गृहस्थी का ज्ञान नहीं दिया गया है उसे। आपकी बहू है आयश्री, यह ज्ञान आपसे अच्छा और कौन दे सकता है? अवश्य देंगे और आज ही भेंट भी करेंगे। महारानी जी, आयश्री के अज्ञातवास का कारण तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि आयश्री ने महाराज को कभी माँ की कमी का आभास नहीं होने दिया, यहां तक उन्होंने विवाह तक नहीं किया। हे देवा, ऐसे लोग तो संसार में विरले ही होते हैं। एक और कुंती है जिसने अपने पुत्र को लोक लाज के भय से उसे पानी में बहा दिया, और दूसरी ओर आयश्री जिन्होंने दूसरे के पुत्र के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।
धन्य हो तात्या जी। अब हमें ये विश्वास हो गया कि हमारी बनू को अपने ससुराल पे मां की कमी का आभास कभी नहीं होगा। अरे